सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन और आईपीओ की ऑफिशियल डेट्स एंड डिटेल्स की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। तो देखिए, यहाँ पर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 यानी 2003 में ये कंपनी बनी थी। रोलेक्स रिंग्स इज अमोंग द टॉप 5 फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, यानी कि ये टॉप 5 फॉरेन कंपनीज में से एक है इंडिया में। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स हॉट रोल्ड फॉर्ग्ड एंड मशीन वेयरिंग रिंग्स एंड ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड अक्रॉस द सेगमेंट दैट इज पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, वाइन टर्माइन, रेलवेज एक्सेट्रा। यानी कि ये जो बियरिंग होती हैं जो किसी भी मोटर में लगाई जाती हैं या फिर मोटरसाइकिल या फिर जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें लगाई जाती है, वो रिंग्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। और देखिए, टॉप 5 कंपनियों में से एक है। तो देखिए, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। और अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए, फाइनेंशियल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। टोटल एसेट्स वैल्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पर जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलियंस में मिलेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए, यहां पर नंबर्स दिए हुए हैं 3 सालों के, और तीनों ही साल के नंबर्स को हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एसेट्स क्वालिटी की बात करें तो देखिए, यहाँ पर 2019 में 7,822 मिलियन का इनका एसेट वैल्यू था। वहीं 31 मार्च 2020 की बात करें तो करीब 6,861 मिलियन का रह गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। वहीं बात करें 30 मार्च 2021 की, मतलब पिछले साल की, तो देखिए यहाँ पर 7,969 मिलियन के करीब इनका एसेट वैल्यू होता हुआ नज़र आया है, यानी कि इनने रिकवर भी काफ़ी जल्दी यहाँ पर किया है। वहीं नेक्स्ट बात करें रेवेन्यू की, तो देखिए रेवेन्यू अगर 2019 में बात करें तो 9,112 मिलियन का था। वहीं 2020 में बात करें तो 6,753 मिलियन का रह गया। वहीं इस साल की बात करें तो देखिए 6,197 मिलियन का ही रह गया, यानी कि लगातार इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये एक बड़ी बात है जो देखने वाली बात है। और उसके बाद बात करें यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, देखिए प्रॉफिट किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2019 में बात करें तो 590 मिलियन का इनका प्रॉफिट हुआ था। 31 मार्च 2020 की बात करें तो 529 मिलियन का हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीमेंट देखने को मिला। वहीं 30 मार्च 2021 की बात करें तो 869 मिलियन का देखने को मिला, यानी कि इन्होंने काफ़ी जल्दी रिकवर किया है और अब जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है। देखिए, प्रॉफिट में तो इधर भी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कम होते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ से प्रॉफिट अच्छे खासे इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, कंपनी के जो नंबर्स हैं वो एवरेज हैं, ना ज़्यादा अच्छे हैं और ना ज़्यादा ख़राब हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर फ्लैट लेके चलना है। और वहीं बात करें यहाँ पर आईपीओ डिटेल्स की, तो देखिए ये आईपीओ 28 जुलाई से ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए, और 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी। 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू होगा। 880 से 900 रुपये के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 900 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट होगा। लॉट साइज की बात करें तो 16 शेयर्स का लॉट है, और मिनिमम 16 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एनएससी दोनों में ही ये आईपीओ लिस्ट होगा। इशू साइज की बात करें टोटल 731 करोड़ का ये आईपीओ है। फ्रेश इशू की बात करें तो करीब 56 करोड़ है, और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो करीब 75 लाख शेयर यहां पर ऑफर फॉर सेल के जरिए लाए जाएंगे, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 675 करोड़ के आसपास है। तो देखिए, यहां पर जो मैक्सिमम इशू है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए ला रहा है, यानी कि जो कंपनी के पुराने प्रमोटर हैं या शेयर होल्डर हैं वो यहां से अपने शेयर्स को बेचकर बाहर निकलने जा रहे हैं। और यहां पर जो फ्रेश इशू है वो काफी कम, करीब 56 करोड़ के आसपास का ही देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें यहां पर टाइम टेबल की, तो देखिए 28 जुलाई को ये आईपीओ ओपन होगा, 30 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। 3 दिन मिलेंगे अप्लाई करने के लिए।
अलॉटमेंट आपको 4 अगस्त को आ जाएगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की बात करें, यानी आपको अगर शेयर्स नहीं मिले हैं तो 5 तारीख को आपका पैसा आ जाएगा, और अगर आपको अलॉट हो गया है तो 6 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 9 तारीख को इसकी मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। तो देखिए ये टाइम टेबल है आपके लिए। वहीं अगर बात करें लॉट साइज़ की, तो देखिए मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 16 शेयर्स रहेंगे, 14,400 रुपये आपको इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं मैक्सिमम लॉट की बात करें तो 13 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वहीं 208 शेयर जिसमें रहेंगे और 1,87,200 शेयर आपको अलॉट खर्च करने पड़ेंगे। तो देखिए ये पूरी डिटेल हो गई, सारा लेखा जोखा हो गया, कंपनी क्या करती है, सब कुछ हमने समझ लिया। अब बात आती है कि भाई इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। तो देखिए फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल ओके हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपनी लॉस हाउस में चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ओके हैं, सब सही है। दूसरी बात करें तो देखिए यहाँ पर ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो 550 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि काफ़ी बेहतरीन चल रहा है 550 रुपये, क्योंकि 900 रुपये इसका इशू प्राइस है, 550 रुपये इसमें जोड़ा जाए तो करीब 1450 रुपये पर लिस्टिंग के संकेत हमें मिल रहे हैं, यानी करीब 1500 के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कोई बुराई नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको 60-70% का लिस्टिंग इन अभी देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये दो बातें हैं। अब तीसरी बात है इसमें सब्सक्रिप्शन क्या कैसा होगा। तो देखिए जब परसों ये आईपीओ ओपन होगा तब हमें पता चलेगा कि भाई सब्सक्रिप्शन क्या कैसे हो रहा है, तो आपको पहले दूसरे दिन देख लेना है, तीसरे दिन इसमें अप्लाई करना है। और देखिए मेरा अगर ओपिनियन आप पूछे तो इस आईपीओ में आपको ज़बरदस्त तरीके से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमें मेन चाहिए रहता है लिस्टिंग इन, वो हमें मिल रहा है। उसके बाद शेयर अगर लंबी अवधि के लिए नहीं चलता है तो हम इससे निकल सकते हैं, कम से कम लॉस में नहीं निकलेंगे। तो देखिए ये आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही अवधि के लिए ये काफ़ी बढ़िया आईपीओ है और इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, अगर यहाँ पर आप कुछ भी करते हैं तो उसका रिस्क आपका खुद का होगा, आप जो भी करें फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछकर ही करें, और यहाँ पर मैं केवल अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।